तो वेल्स आज हम देखने वाले हैं कि सीटेट का फॉर्म हम किस तरह से भरेंगे और उसमें क्या क्या प्रोसीजर है, फीस वगैरह क्या है, और क्योंकि परेशानियों को आपको सामना करना पड़ सकता है और उन्हें किस तरह से फॉर्म टाइप करोगे वो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पे और गूगल पे आपको कर देना होगा। करने के बाद में अब गूगल पे आप फॉर्म से भर रहे हो चाहे सिस्टम से हो, और आपको नाम है सीटेट। सीटेट डालने पर सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट के सामने आ जाएगी। अभी देखो डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से बढ़ने का फायदा ये है कि कभी कभी क्या है कि लिंक वगैरह चेंज होता है, आप बनने तो वेबसाइट से भरते होते वहाँ से आपको ये सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई टू इस पर क्लिक करो और इस पर ओके कर देना। आपको ओके करने के बाद अभी देख रहे हो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर भेजना होगा। आपको जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया उन्हें न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना होगा। अभी ना आपको यहाँ पर नाम डालना है, फादर नेम डालना है, अपना मदर नेम डालना है, ये सारे वो सारे आपको अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से डालने हैं। और फीमेल को एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, जो युवती से मिलने करना है उनकी जो मार्क्सिट है ना उसमें कुमारी साथ में प्रीफिक्स में आता है, तो अगर उनके आधार कार्ड में उन्होंने कुमारी नया हो रहा है तो भी वो कुमारी डाले, अदरवाइज जो आधार कार्ड में नाम है वह उसने डाले। आगे चल के आपको प्रॉब्लम सीटेट का जो है सर्टिफिकेट है उसको भी निकालने में हो सकती है, तो जो नाम आपका आधार कार्ड में उसको साथ साथ डाल रहा होगा, ये सारे डिटेल उसी के साथ डालनी होगी, डेट ऑफ बर्थ जेंडर जो भी आप जेंडर डालें, और आइडेंटिटी प्रूफ में अगर आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड है तो उसको आप एनी अदर आईडी में डालें, और मतलब से कोई भी एक चीज़ है तो आप उसको चूज करके आराम से डाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम आप अपना एड्रेस भर दें मिलना हो रहे हैं, एड्रेस आपको सारे मतलब बढ़ने आने वाले हैं, बस ये ऑप्शन रहने छोड़ के। ठीक है ना, यहाँ पे आपको इंडिया शुरू हुआ इंडिया नाम मैंने उसने आपको अपना स्टेट चूज करना होगा, और यहाँ से अपना आपका डिस्ट्रिक्ट या पिन कोड डाल रहे हैं, पिन कोड है यहाँ पे अपना आपको ईमेल आई डी डालनी है, तो बताया नीचे दोनों तरफ सेम आपको ईमेल आई डी डालनी है और सेम आपको मोबाइल नंबर के साथ भी भरना है। तो यहाँ पे वैसे आप एम पे भी इस पर क्लिक करना हो तो ये बस ऑटोमेटिकली आपको फिर मिल जाएगा, बिल की डन भी हो जाएगा। अब आपको ना यहाँ पे पासवर्ड देना होगा, पासवर्ड में आपको ये कह रहा है कि पासवर्ड मस्टली 8 to 13 करेक्टर, यानी कि कम से कम 8 से 13 करेक्टर में आपके पासवर्ड में होने चाहिए, जिसमें कि आपके पासवर्ड में जो बनाओगे आपका नाम मतलब अल्फाबेट होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर में आप देख सकते हैं इन को आप यूज़ कर सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर में, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए और कुछ आपके न्यूमेरिकल्स होने चाहिए। तो मैं तो यही वरना तो यही बताऊँगा आप अपना जो पासवर्ड है वो इस तरह से बनाए, जो भी ऐप का नाम है उस पर नाम डाल देना और @123 तो इस तरह से पासवर्ड बना देना जो भी आपका नाम है। और बहुत सौ क्या होता है कि नाम जो है छोटा बढ़ जाएगा तो उसको पूरा नाम डाल देना, चाहे डबल डबल डाल देना, @123 बनाएंगे तो अनु वैसे तो 7 ही नंबर बैठ रहे हैं, जब यहाँ पे 8 चाहिए तो आपने एक काम करना दोबारा से अनु डाल देना तो आप वही पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, तो भाई सी एम ने डिटेल भरनी है, सबमिट हमने करा, सबमिट करने के बाद में अब हमारे जो है इस तरह में कुछ फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा, तो इसको स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे, तो वो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके सामने ना कुछ चीज़ करेंगे कि ये ऑप्शन आ देंगे, ये वाले जो ऑप्शन है ना ये सारे के सारे पे आपको टिक करना होगा, जब आप इनके टिक कर दोगे टिक करने के बाद फिर आपको इस वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर देना होगा। अभी ना जब आप इन सब पे टैप कर दोगे, जैसे मैंने मान लो ये सब पे टैप किया वो इसके नहीं पैर किया, तो अब उस पर यहाँ पर ऑप्शन आने में संगवित ऑन सेंड होती थी, तो इस पर हम तो उस करते यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे फ़ोन पे ओटीपी आ जाएगा, और ओटीपी हमको अपने इसमें डालना होगा। तो गाइस मैं वो डालने में अपना ओटीपी अभी ओटीपी मैंने डाल दिया, अब ओटीपी डालने के बाद आपको याद है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो भाई वैसा आप देख सकते हैं हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है वो हमें मिल चुका है, और हमें इसको अपने पास नोट करके रख लेना होगा। अभी नोट करने का फ़ायदा ये है कि जैसे हम नोट करेंगे ना तो हमें आगे भी इससे बहुत सारे काम करने वाले हैं, तो मैं इसका नोट करके रख लेता हूँ और फैन को आपको इस तरह से मैंने मैं रहता हूँ मैदान बैठता है मैंने ड्राइवर दूसरे से बनना चाहते हो तो आपके रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन लेने की मैदान किस तरह से आप उस पर फ्री पर होगे, तो उसके लिए मैं कर देता हूँ मैं रहता हूँ फिनाइट। तो हम अपनी पुरानी वाली निंदा पर दोबारा आ चुके हैं, अभी दोबारा आने के बाद अब चलाई से सीखते और जुलाई दोबारा बस पर टिकट करेंगे, ये क्लिक करने के बाद में ये जो एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, डालने के बाद आपने जो भी पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना होगा, और
वे कैप्चा फिल करके आपको अभी आगे भेज देना होगा। साइन इन मैंने इस तरह से कर लिया, तो मेरा ये लॉगिन हो गया। अब कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे हम जाएंगे और यहाँ से अपना जो फॉर्म है जो अभी फर्दर डिटेल्स हैं उन फॉर्म फॉर्म भर देंगे। जैसा आप देख रहे हो मोस्टली हमारी डिटेल जो हमने फिल की थी फर्स्ट टाइम में वो हमारी आ चुकी है। अभी नेशनलिटी डालेंगे और जो भी आपकी कैटेगरी जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं जनरल SC ST जो भी आप करते हैं उसके हिसाब से आपको चूज कर लेना होगा। और ये एम्प्लॉयड होने के लिए चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो जिसमें करते हो वो यहाँ से आपको चूज कर लेना होगा। नॉट एम्प्लॉयड है तो आप काम कुछ भी कर रहे हो तो नॉट एम्प्लॉयड कर लीजिए, और कहीं पर टीचिंग वगैरह टीचर बन लीजिए, अगर कुछ और काम कर रहे हैं टीचर के सिवाय तो तीसरे रहने चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने डाल दिया ऐप डालने में। चलते हैं अपने मेन काम के ऊपर। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन से वाला अप्लाई करना है, पेपर फर्स्ट करना है पेपर सेकंड करना है या आपको दोनों करना है। यदि आपको एक करना है फर्स्ट टू फिफ्थ वाला प्राइमरी वाला तो ये करेंगे पेपर वन, और अगर आपको पेपर टू करना है अपने प्राइमरी वाला तो उसके लिए आप ये वाला चूज करोगे। वरना दोनों करने हैं तो इसलिए आपको मैप कर देना होगा। ठीक है ना, अब लैंग्वेज देखो मोस्टली ना फर्स्ट लैंग्वेज तो हिंदी ही होती है, सेकेंड लैंग्वेज आपको इंग्लिश या संस्कृत कोई सी एक आपको चूज करनी होती है। तो भाई जिसको भी है वो अपने अकॉर्डिंग देख सकता है कौन सी इसको करनी है। अब बात आती है यहाँ पे, देखो अपने हिसाब से आपको चूज करना होगा। चूज कैसे करना होगा, जिस बंदे की BEd है ना वो पांचवा ऑप्शन चूज करने, और जिस भी बंदे की BEd है वो पहले वाला ऑप्शन चूज करने। तेरा सिंपल समझ में आ गया होगा, जिनकी डी पहले वाला चूज करेंगे जिनका BEd है वो पांचवा वोट करेंगे। सेम कंडीशन आपके सामने थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है बस BTC वालों के लिए, उनको अपना जिनका BTC है उसको भाई हाँ भाई उनका सेम है, उनको पहने वाला चूज करना है और भाई लास्ट सेवेंथ वाला BTC वालों को पहना और BEd वालों को सातवा। ठीक है, और सब्जेक्ट के ऊपर, और देखो भाई जो साइंस साइड या मैथ वाले बच्चे हैं ना, अब BCA वाला हो गया BSC वाला हो गया BTech वाला हो गया वो फर्स्ट वाला चूज करेंगे मैथ एंड साइंस, और जो आर्ट वाले हैं चाहे कॉमर्स वाला हो गया आर्ट साइड वाला हो गया वो साइंस साइड करेंगे। अभी ना डिप्लोमा एंड एजुकेशन, जैसे हम लोगों को आपने डिप्लोमा लिया हुआ है 2 साल का डिप्लोमा है वो चीज़ में ऊपर वाले में डाल छोड़ रहा, आपने BEd की हुई है या BA BEd की हुई है तो आप इसे सेकेंड वाले पर चूज करना होगा आपको। तो भाई जब हम कैप्चा कर देंगे और सेवन नेक्स्ट पे और चलेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर के ऊपर। अभी ना आपके पास क्वालिफिकेशन वाला ऑप्शन है, अब मान लो कि आप अगर पास कर चुके हैं DA BEd BTC जो भी है तो आप पास डालेंगे, और आप फिलहाल कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में तो आपको बेरिंग उसमें डाल देना होगा। ठीक है ना, ये करने के बाद कब आप पास हो गए वो आपको डालना है, कब आप पास हो गए थे जैसे 2023 डाले में 2023 ही केवल इसमें आए ना और कोई आया नहीं, आप फर्स्ट ईयर में सोच रहे होंगे भाई जो 2024 आना चाहिए, नहीं आपका 2023 ही आएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में तो अब आपका मान्य नहीं होता है, वहाँ आपको यूनिवर्सिटी डालनी है, अब आपकी यूनिवर्सिटीज में इंस्टॉल है तो आप उसको डाल दीजिए। अगर भाई ढूंढने में टाइम वेस्ट मत करना, इसमें अदर का ऑप्शन डाल के इसको आगे बढ़ा देना आप। ठीक है ना, आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट का पिन कोड डालना है जिसमें आप इंस्टीट्यूट से करने हो, वहाँ पे आप अपना पिन कोड डाल दें। ये पिन कोड डालने के बाद वही अपना कैप्चा वही कर दो, बस सीधा सिंपल फॉर्म है। ठीक है ना, आप यहाँ से अपना टेलर नेक्स्ट कर दो, और अब आपका फोटो साइन का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। अब यहाँ पे आपने अपना फोटो साइन अपडेट करना है, अभी उसके लिए आप कोई भी ऑनलाइन कर सकते हैं किसी के माध्यम से ऑनलाइन। तो भाई अभी ना सदर आप हम क्लिक करने वाले हैं, क्लिक करने के बाद में अब हम पे यहाँ पे फिर अपडेट अपडेट कर देना होगा। तो ऐसे तो आपका ध्यान रखना होगा आपको फोटो अपडेट करने से पहले कि आपका जो फोटो है ना वो 10 से 200 KB के बीच में आपका होना चाहिए, और आपका तो पेज है वो एकदम क्लियर दिखाई देना चाहिए, ऐसा ना हो कोई सेल्फी हो जाए फॉर्म पर रिवर्ट कर दिया इसके वजह से। ये तो क्या आपको साइन भी इसी तरह से अपडेट करना होगा, अभी मेरा साइन भी हो गया मैसे हमारा फॉर्म सारा हो चुका है। अब बस रिव्यू करना इधर मैप ही रहना है, यहाँ से उसमें अपना कैप्चर दबा लीजिए। ऐसे तो बहुत सारे लोगों के सामने मेरे को आएगी कि इमेज नोट फलाना दिखाना इस तरह से ये बार बार वहाँ पर बताया उधर उसका सर्वर डाउन होता है।
तो अगर जितनी शॉर्ट नेट थोड़ी देर बाद आपने ट्राई करना तो आपका अपडेट जो है हो जाएगा, आज करना या नेक्स्ट डे उसका करना, दैट का जो अपडेट है वो हो जाए। तो भाई ये हमारे सारा काम हो चुका है, 7 नेक्स्ट कर देंगे। अभी 7 नेक्स्ट करने के बाद ना आपको सेंटर अपना चेंज करना है, जो भी आपका नियर बाय सेंटर है केवल एक ही सेंटर डलोगे इसमें। इस बार पहले उसमें दो सेंटर डलते थे, अब केवल एक ही सेंटर है, इसमें ऑप्शन आता है ठीक है। अब ये मैंने सारे बार अपना फॉर्म जो है सबमिट कर दिया है, अब अपनी डिटेल सारे ही सारे फाइनल सबमिट करने से इतने बार पहले वेरीफाई कर लेना, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते। कुछ भी चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो डायरेक्ट उस सेक्शन पर जा सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं सारी डिटेल हमने भर चुके हैं और हमारा फॉर्म ऑफ फाइनल सबमिट होने के लिए तैयार है बिल्कुल ठीक है। ये सारे काम हमारे हो चुके हैं, तो पापा को मैंने फोटो लगा दिया था, मेरे पास कोई और नहीं था, तो ये सारे काम हो गए। अभी पर टैप करते करते आई एग्री करके फाइनल सबमिट साधन आपको कर देना होगा। अब आपको लास्ट ऑप्शन रह गया है अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करने का, और इस पर आप क्लिक करना और ईमेल आईडी आपको अपनी वेरीफाई करनी होगी। तो जैसा आप देख रहे हो ये आप जो अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे, अभी ईमेल पर ओटीपी जाएगा। तो भाई ओटीपी हमने डाल दिया है, डालने के बाद वेरीफाई कर दिया है। अभी बहुत सी बार आपके पास ओटीपी आप पर नहीं आएगा तो आपको यहाँ से रिसेंड करना होगा। अगर रिसेंड नहीं होता है फिर भी नहीं आता तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, नेट्स वेक करने की कोशिश कीजिए, फिर भी नहीं आता है तो आप अपनी ईमेल आईडी को चेंज कर देना। तो क्लिक किया फॉर बैंक, और अभी आप अपनी फीस जो है वो पे कर देनी होगी। ऑनलाइन पेमेंट, ग्रोसरी पेमेंट, बहुत सारे मेथड हैं आपके पास ऑनलाइन पेमेंट करने की, UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई सा भी कार्ड है आपके पास, रुपए कार्ड हो, सभी से इसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो आई बात आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, कोई चीज़ नहीं आई है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर आपको मिल जाएगा, ऐसे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको फर्दर कोई भी जानकारी चाहिए हो या आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही हो तो वहाँ से वो शॉर्ट आउट होने की कोशिश करने की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव योर फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी वीडियो सारी आती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे दोबारा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।